हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5M में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं हलवा पराठा। हलवा पराठा तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज हम आपको हलवाई जैसा ही परफेक्ट हलवा पराठा बनाना सिखाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दो छोटे प्याले हमने मैदा लिया है और दो हम चम्मच ऑयल डाल रहे हैं इसमें। आप घी कुछ भी डाल सकते हैं, ऑयल या घी, और इसे अच्छे से मैश करना है। घी हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। मैदा को इस तरीके से जाना चाहिए हाथ से करने में। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे गूंध रहा है। मैदा को हमने गूंध लिया है, अब इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं ढककर। मैदा को हमने साइड में रख दिया है। अब हमने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। अब सबसे पहले हम इसमें एक कटोरी घी डालेंगे। हमने देसी घी लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। जिस कटोरी से हमने घी लिया है उसी कटोरी से हमने सूजी ली है, उसी प्याले से हमने सूजी को लिया है। सूजी को हमें इतना भूनना है कि अच्छे से फूलने लगे और इसका कलर ब्राउन होने लगता है। सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है और इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है। अब इसे यहीं को गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हमने एक बर्तन लिया है जिसमें हमें चाशनी बनानी है। दो ग्लास हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। और जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से हमें चीनी लेनी है और इसे पानी में डाल देना है। फ्लेवर के लिए थोड़ी हमने इलायची के दाने लिए हैं, उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं और चाशनी को पकने देते हैं। चाशनी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। ये हमने एक तार की चाशनी बनाई है, इसमें सिर्फ एक ही तार आ रहा है, ये एक तार की चाशनी है और ये बन चुकी है। गैस को हम यहीं ऑफ कर देते हैं। अब हमने जो सूजी भून के रखी थी उसमें हमें इस चाशनी को धीरे धीरे डालना है और इसे हल्के हल्के चलाते रहना है, क्योंकि हमारी चाशनी काफ़ी गर्म है। और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। अब हमें गैस को लो फ्लेम पर ही जलाना है और इसे अच्छे से चलाते रहिए। और थोड़े से हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं। हमने किशमिश, बादाम और काजू लिया है, जिसे इसमें ऐड कर देते हैं। अब हमें इसे धीमी आंच पर ही चलाते हुए पकाना है 5 मिनट के लिए। हलवा बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हलवे को साइड में रखते हैं। मैदा को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। इसी तरीके से हमें इतने ही बड़े बड़े हमें सभी पेड़े बना लेने हैं। थोड़ा सा हमने जो घी लिया है उसमें 1 चम्मच मैदा ऐड करनी है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैदा इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। जो हमने पेड़ा लिया था, अब पेड़ा जो लिया था हमने इसे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे बेलना है। अब हमने इसे बड़ा और पतला बेला है। इस पे ऑयल जो बना के रखा था मैदा का, उसे इस पे लगाना है। हमने इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से फैला लिया है और अब एक चाकू की मदद से हम इसको कट करते हैं और इसका इस तरीके से रोल बना लेते हैं। पूरी तरीके से हमने इसका रोल बना दिया है। अब इसको गोल गोल हाथों से इस तरीके से घुमाना है और इसकी लोई तैयार करनी है। लोई बन के हमारी तैयार हो गई है, अब इसे बेलना है हमें। सारे पराठों को हमने इसी तरीके से बेल लिया है और अब हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस पराठे को हम इसमें डाल देते हैं। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।
इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ का पराठा भी सेक लेना है। पराठा हमारा अच्छे से सीख चुका है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारे पराठों को सेक लेना है। हलवा पराठा बनके हमारा रेडी हो चुका है और देखिए हमारा हलवा कितना सॉफ्ट बना है, और हमारा पराठा भी इसी तरीके से, पराठा भी हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। इस तरीके से हमारा हलवा और पराठा बहुत ही टेस्टी बना है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।